इंट्रोडक्टरी एपिसोड है और इस एपिसोड में हमारे जो घर बैठे ऑडियंस है उनको मौका मिलेगा कि हमारे 15 फाइनलिस्ट से उनकी मुलाकात होगी और हमने अपनी सारी लड़कियों की जो प्रोफाइल्स हैं वो दिखाने की कोशिश की है. तो इस राउंड में या इस एपिसोड में लड़कियों को जज किया नहीं गया है, ये सिर्फ उन्हें एस्टैब्लिश करने के लिए है. और बहुत मज़ा आया है, लड़कियों को एक बहुत मुश्किल टास्क दिया गया था एपिसोड के पहले में कि वो अपने आप को एक हैशटैग के द्वारा एक्सप्रेस करें. और अभी फ़िलहाल हमने एक यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे एक सनडाउनर किया था विच वॉज़ मोर ऑफ एन आइस ब्रेकर, जहाँ पे लड़कियाँ एक दूसरे को भी जान सकते थे और हमारे ऑडियंस भी उन्हें थोड़ा सा जान और पहचान सकते थे. सो ऑल इन ऑल इट्स बीन अ रियली फन एपिसोड. लेकिन यहाँ से बात थोड़ी सी और मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अगले एपिसोड से लड़कियों को मार्क्स दिए जाएंगे और जिन तीन लड़कियों एपिसोड 5 के एंड पे जिन तीन लड़कियों के सबसे कम मार्क्स होंगे वो एलिमिनेट किए जाएंगे. आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें जितना मैं वक्त उनके साथ बिताती हूँ मैं कुछ ना कुछ इन्हें थोड़ा सा कह दो कि ज्ञान बांट दूँ या जो भी हो, बट समथिंग दैट आई कैन टीच देम जो उन्हें ज़िंदगी भर याद रखे और सिर्फ पैजेंट में ही नहीं आगे जाके भी अपने करियर्स में अपने फैमिली लाइफ में वो इन चीज़ों को आजमा पाए. तो आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है अपनी ज़िंदगी में और अगर मैं इन लड़कियों को अपने स्टार्ट ऑफ द करियर में कुछ सिखा सकती हूँ देन आई थिंक फॉर मी इट्स अ बिग ब्लेसिंग. हमेशा हर साल जब मैं मिस डीवा की शो शुरू करती हूँ तो मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोगों ने पहले शुरू किया मतलब स्टार्ट किया था हमारी जो ट्रेनिंग चालू थी मिस इंडिया के लिए हम लोग बहुत नर्वस थे और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी आज लड़कियाँ पहले शुरुआत में नर्वस है लेकिन धीरे धीरे उन्हें जितने सारे एक्सपर्ट्स हम लोग उन्हें उनके पास दे रहे हैं जो अपने थोड़े से टिप्स शेयर कर रहे हैं लड़कियों के साथ धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द एंटायर शो इज़ टू मेक श्योर दैट द गर्ल्स जैसे हमारे पास पहले आते हैं वो उससे काफ़ी मतलब उनमें काफ़ी बदलाव आ जाता है एंड तक. आई थिंक फ़िलहाल मेरे लिए जब मैं आई थी मैं बहुत यंग थी लेकिन तब मधु सप्रे और मेहर जैसे अब बहुत बड़े मॉडल्स थे तो हमारे लिए वो सब लड़कियां बहुत बड़े रोल मॉडल्स थे. और बॉलीवुड में मैंने इतना दूर देखा नहीं था तब से मैं सिर्फ 16 साल की थी और एक्चुअली मैंने बॉलीवुड के बारे में सोचा नहीं था अंटिल आफ्टर आई बिकेम मिस यूनिवर्स. बट या फॉर श्योर आई थिंक मॉडलिंग इंडस्ट्री में मेहर जैसे और मधु सप्रे इन जैसे मॉडल्स बहुत ही मशहूर थे. नहीं मैं अभी फ़िलहाल अभी भी फिल्म कर रही हूँ. हम एक पिक्चर आएगी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा जी और दलजीत जी हैं, बमन सर, करण जौहर और मैं हूँ. तो हाँ मैं इतनी जल्दी आपके स्क्रीन से नहीं हटने वाली हूँ और मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है तो ये फिल्म भी एक किस्म की कॉमेडी है. तो हाँ मुझे थोड़ा सा और झेलना पड़ेगा. थैंक यू.